हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सबसे फेवरेट एक क्लीनिंग टूल जो मैंने रिसेंटली ही परचेस किया था और मुझे ये बहुत ही यूज़फुल लग रहा है और इससे मेरे काफ़ी काम बहुत ही इजीली हो रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को देखने से पहले चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो मैंने इसे परचेस किया था अमेज़ॉन से और ये मुझे मिला है बहुत ही बढ़िया पैकिंग में। और इस बॉक्स में सबसे पहले आपको मिलता है ये एक्सटेंशन रॉड और ये डस्टर जो बना है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, जो काफ़ी सॉफ्ट है और ये रिमूवेबल भी है। जब आपको इसे वॉश करना है आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। इस क्लीनिंग डस्टर की मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि ये जैसे चाहे वैसे शेप में ईजिली बेंड हो जाता है और इसके इसी फीचर के कारण आप जिस चीज़ को चाहे इसे ईजिली साफ कर सकते हो। सो देखा फ्रेंड, ये कितनी इजीली बेंड हो जाता है और उतना ही आसानी से ये स्ट्रेट भी हो जाते हैं। और इसी डस्टर के साथ हमें एक एक्सटेंशन रॉड भी मिल जाता है जो हमें इस छोटे से डस्टर को अटैच करना होता है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही लंबा एक्सटेंड हो जाता है जो हमारे फ़ैन, एसी या रूफ तक भी बहुत ही ईजिली पहुँच जाता है। इस डस्टर से हम क्लीनिंग तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्राइस। और इसे मैंने परचेस किया था अमेज़ॉन से जस्ट 399 रुपीज़ में। तो चलिए अब इससे क्लीनिंग भी करके देख लेते हैं। तो इस डस्टर को मैंने सिंपली हल्का बेंड करके इस फ़ैन को हम करेंगे क्लीन। तो सिंपली मैं ज़मीन पर खड़ा होकर इस फ़ैन को बहुत ही ईजिली क्लीन कर रही हूँ बिना किसी स्टूल या चेयर के। इसका जो रॉड है वो मैंने फुल्ली एक्सटेंड किया है। इस डस्टर को आप हल्का गीला करके या फिर ऐसे ही ड्राई भी फ़ैन क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे यह बहुत ही इजीली क्लीन हो जाता है क्योंकि ये बना है माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, जिससे ये बहुत ही इजीली डस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और बिना किसी स्क्रैच के आप इजीली कोई भी इक्विपमेंट या फिर कोई भी चीज़ इससे बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया, ये डस्टर किसी भी शेप में बहुत ही इजीली बेंड हो जाता है, तो इससे क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। आफ्टर क्लीनिंग आप इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को इस रॉड से इजीली सेपरेट भी कर सकते हो और इसे वॉश करने के लिए आप हैंड वॉश या फिर इसे मशीन वॉश भी इजीली कर सकते हो। इसका ये डस्टर बना है सुपर फाइन फाइबर से, इसी के लिए ये बहुत ही इजीली डस्ट, डर्ट या फिर हेयर वगैरह बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी के लिए ये डस्ट क्लीनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिससे आप टीवी, सोफ़ा, टेबल, कैबिनेट, फोटो फ्रेम्स, वॉच, एसी या फिर बुक शेल्स वगैरह बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हो, वो भी बिना किसी स्क्रैचेस के। सिर्फ कोई भी अप्लायंसेस, डिवाइस या फिर फर्नीचर ही नहीं, हमारे घर के जो हाइट पर सीलिंग्स होते हैं उसे क्लीनिंग करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। हल्का बेंड करते ही आप इससे ट्यूबलाइट्स या फिर कर्टन रॉड्स, फ्रिज और ऐसे कई सारे चीज़ें इससे बहुत ही इजीली क्लीन भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे तरह ही आपको ये क्लीनिंग टूल बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।